Hello friends, good morning to you all and discuss about to and today 3rd October 2017. I am Subodh. So, aaj hum discuss karte hain. There's a news analysis for the Hindu newspaper. So, first of all, first speech, discuss about to and sad news about to in USA. एक दुख की घटना के जो हम साथ शुरुआत करेंगे है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय चैनल सुबोध डी यू स्टडी आई क्यू फॉर जो चैनल था द हिंदू उसको डिस्प्लेस करके मैंने न्यू चैनल किया स्टडी फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम. तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल या लाइक एंड सब्सक्राइब एनी क्वेरी रिलेटेड टू द हिंदू न्यूज पेपर तो कमेंट्स नाउ. तो पहले हम जो डिस्कस करते हैं वो पहली न्यूज के साथ है ना. तो आप देख सकते हैं यूएसए में क्या है जो मतलब 58 किल्स इन द लास वेगास शूटिंग. तो इसमें क्या है आतंकवादी एक मतलब रीजनल आतंकवादियों के द्वारा मतलब उसमें क्या है मतलब हमला किया गया है ना. तो इसमें आप देख सकते हैं हमला किया गया है जिसमें कि 58 पीपल्स समथिंग डाइड हो गई. ये आप देख सकते वेगास यूनाइटेड स्टेट्स वाले आर्टिकल्स को देखते हैं इसमें ये टोटली बताया गया है ना. ये जो आर्टिकल से गौरी लंकेश से रिलेटेड है ये वाला हम देख सकते हैं. मगर इसमें ये बात है ये वाला जो है तो इसमें क्या बताया गया इसमें मेन बात ये अगर 58 लेकर तो ये क्या है लाल वेगास में 32 बिल्डिंग्स थी उस पर हमला किया गया. तो उनके द्वारा अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई हैं तो जिसके कारण क्या 58 लोगों की पीपल्स की डेड हो गई है मतलब मारे जा चुके हैं. मगर उसमें क्या हुआ है इसमें मेन प्रॉब्लम्स आई है कि जो IS इस्लामिक स्टेट उसने इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है मगर वहाँ की जो FBI है फेडरल जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसके द्वारा बताया गया है कि ये आतंकवादी द्वारा मतलब IS के द्वारा नहीं किया गया है ये रीजनल जो टेररिस्ट हैं वहाँ के USA के उनके द्वारा ये हमला किया गया है. आप ये देख बोल सकते हैं इसमें बोला हुआ है ना. तो जो इस्लामिक स्टेट के द्वारा ये बोला गया मगर ऐसा नहीं है फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ये इसको मतलब यह मतलब उनकी एजेंसी के द्वारा बताया गया है ना. तो इसमें टोटली यही है सैड न्यूज अबाउट USA एंड यस्टरडे. ये आप देख सकते हो गौरी लंकेश का जो मर्डर हुआ है उसके द्वारा जो गौरी किलर्स है ना SIT इन द डिफाइन क्लूज से कर्नाटका मिनिस्टर जो है उनके द्वारा बोला गया कि SIT के द्वारा इसकी खोज की जाए मतलब इसकी है ना उसी के अकॉर्डिंग बात की गई है ना. और ये आप देख सकते हैं ये न्यूज है ना क्लॉक वाइज प्रिसेंस ऑफ द 2007 नोबेल प्राइज इन मेडिसिन फिजियोलॉजी जो मिला हुआ है आज मिलेगा फिजिक्स का. तो ये मिला हुआ है किसमें फिजिक्स में है ना फिजिक्स मिला हुआ ये तीन साइंटिस्ट हैं मार्शल रॉबिन्सन जो मेन क्लूज क्या है ये डिस्कवर खोज की गई है मॉलिकुलर मैकेनिज्म कंट्रोलिंग द सर्कैडियन रिदम इसके इस पर खोज की गई है ना. इसका मेन फोकस इस पर किया हुआ जैसे आप देख सकते हैं एक मतलब जो खोज की गई है उसका मेन उद्देश्य क्या है मेन उद्देश्य ये है कि जो साइंटिस्ट हैं मतलब ये क्या बायोलॉजिकल जो क्लॉक है उसकी जो गुत्थी सुलझाने वाले ये वैज्ञानिक बने हुए हैं जिसके कारण इनको चिकित्सा के रूप में एक चिकित्सा में नोबेल प्राइज की नाम की घोषणा की गई है ना. तो ये तीनों वैज्ञानिक कहाँ के USA के है ना इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जिसमें कि इनके जो आज फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिलेगा तो इनकी जो घोषणा की गई है बायोलॉजिकल क्लॉक है ना सर्कैडियन क्लॉक्स की गुत्थी सुलझाने के लिए तीन साइंटिस्ट हैं उनको ये प्राइज मिला है 2007 का. तो चिकित्सा का नोबेल प्राइज देने का घोषणा की गई है और जिसमें क्या है सोने को जागने के चक्र में नियंत्रण को प्रवास करने के लिए कहा गया है. तो ये साइंटिस्टों की पूरा ये किया बायोलॉजिकल क्लॉक्स में गड़बड़ी के कारण जो डिप्रेशंस होते हैं न्यूरोलॉजिकल गड़बड़ी होती है वायोपोलर से डिसऑर्डर होते हैं तो दिमाग में जिस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जुड़ी समस्याएं होती हैं कॉन्ट्राडिक्शंस तो उनके अकॉर्डिंग इनके इसमें डिस्टडी की गई है ना. इसमें आप देख सकते हैं तो इनका जो मेन फ्रॉक्स है इनका क्या बोला गया है तो तीनों वैज्ञानिक क्या है बायोलॉजिकल क्लॉक्स को नियंत्रित करने वाले अहम भूमिका निभाने के लिए इनको ये जीन का पता लगाते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग पीरियड जीन का नाम दिया गया है. तो वैज्ञानिक क्या है फ्रूट फ्लाई है वैज्ञानिक नाम ड्रोसोफिला मेलेजिस्टर पर शोध का पता लगाया था इन्होंने. तो इसमें क्या है ये क्लॉक क्या करता है नींद के अलावा खान पान हारमोन्स और जो बॉडी है उसके टेम्परेचर को निर्धारित करने की भूमिका निभाते हैं ये है ना. तो जो नोबेल प्राइज जो टीम है ये तीनों इनके क्या क्या है उनकी खोज को इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जिससे कि ये जिससे क्या हुआ है जिससे कि मेन फोकस ये है कि जो साइंटिस्ट हैं उस पर क्या है
जो पृथ्वी की परिक्रमा के साथ साथ पेड़ पौधे प्लांट्स हैं पशु और जन जैविक उसको कैसे खुद को अनुकूल ढालते हुए वैज्ञानिकों ने पहले पाया कि सभी जैव सजीव को प्राकृतिक तौर पर टाइम कीपर होने की बात कही है जो पृथ्वी की लय का पूर्वानुमान लगाते हैं पृथ्वी उनके अनुकूल मदद करता है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अब इसको टाइम कीपर भी बोला है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित करने के लिए इनके द्वारा भविष्य में किसी मदद करने के लिए बीमारियों का इलाज भी किया जा सकेगा। और इनका मेन प्राकृतिक क्या है प्राकृतिक चक्र जैसे होते हैं रात में जागना और दिन में सोना है ना इसके मुताबिक नहीं रहने की स्थिति को कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं। तो जो इनके रिसर्च की गई है शोध जिस तरह की रिसर्च की गई है तो बायोलॉजिकल क्लॉक की आंतरिक कार्य प्रणाली को पहली बार सामने लाया गया है इनके द्वारा। तो हवाई यात्रा के दौरान जो टाइम जोन बदलने के कारण जेट लैग नींद में अस्थायी दिक्कत होती है जैसी समस्याएं सामने आती हैं बायोलॉजिकल क्लॉक में गड़बड़ी के कारण डिप्रेशन न्यूरोलॉजिकल गड़बड़ी वाइलो पर डिप्रेशन दिमाग से जुड़ी समस्याएं होती हैं और मस्तिष्क से जुड़ी अन्य समस्याएं होती हैं उसके द्वारा इस पर खोज की गई है इन साइंटिस्टों के द्वारा। तो ये आप देख सकते हैं ये गुड न्यूज है ना। तो इसके द्वारा इनका नामांकित किया गया। तो ये पूरा क्लेरिफाई कर दिया है मैंने है ना ये जो आर्टिकल से। तो इससे क्या वो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी जो मेडिसिन से रिलेटेड जो भी इसमें पूरा ये इसी के बारे में इन्होंने इसमें डिस्कस किया हुआ है ना ये आप देख सकते हैं। और ये न्यूज है 70 ईयर्स गांधी जी की प्रतिमा लगा दी गई है ना 1.8 मीटर की है ना। तो 1.8 मीटर की जो प्रतिमा का वेंकैया नायडू के द्वारा ये किया वाइस प्रेसिडेंट 1.8 मीटर की पदार्पण किया हुआ है इनके द्वारा है ना स्वामी मतलब बापू जी की महात्मा गांधी है ना अनावरण किया गया है नई मूर्ति लगाई गई है। तो इसके बारे में बताया गया है ना। और उसके बारे में अब आपको नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ये न्यूज एनालिसिस का हम डिस्कस कर रहे हैं ठीक है। जो आगे टोटल डिस्कस करेंगे ये सेटल भाकड़ा नागल जो डिस्प्यूट बांध है उसके प्रॉब्लम्स आई है। सेटल भाकड़ा नागल डिस्प्यूट एमिकेबली ना सुप्रीम कोर्ट नेडल्स मतलब जो तीन स्टेट है मतलब भाकड़ा नागल किस नदी पे बना हुआ है आप बता सकते हैं आंसर दे सकते हैं सतलज नदी पे बना है BSP। आप कोड याद रखिए मैं आपको सिंपल वे में बता दे रहा हूँ BSP जो पार्टी होती है उसके द्वारा आप कर सकते हो भाकड़ा नागल सतलज रिवर और पंजाब। तो ये कौन कौन से पे पंजाब हरियाणा और हिमाचल मगर आप BSP कोड से याद रख सकते हो। और आप और कोड भी रख सकते हो बहुत सारे कोड है NPS है ना नागार्जुन पंजाब है ना उस नदी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो है ना। तो इसका आप BSP याद रखिए जिससे कि आगे इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको है ना कोड के अकॉर्डिंग आप याद कीजिए है ना। तो इसमें क्या डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया तो उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। तो पंजाब हरियाणा एंड उनके प्रॉब्लम्स आई है मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो डिस्प्यूट हो रहा है वाटर का तो उसके अकॉर्डिंग ये बताई गई है उनको एक डिस्ट्रीब्यूटर एक मतलब इक्वलिटी के अकॉर्डिंग उनको दिया जाए तो उसका बारे में इसमें पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो मेन आप याद रखिए भाकड़ा नागल जो कहाँ पे स्थित है और इस किन किन बांधों के किन किन राज्यों के बीच ये बना हुआ है ये चीज़ों पर आप ध्यान दे दी है ना ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको हम लोग चलते हैं ये गांधी जी के रोल्स पर क्लीन इंडिया का वो कर रहे हैं। तो ये सिंपल करेंटली मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ उसके बाद एडिटोरियल को टोटली एनालिसिस करेंगे आगे वीडियो में है ना। इसमें आप देख सकते हैं ये वाला देख सकते हो काजीरंगा वाला है ना ये देख सकते हो काजीरंगा वाला कहाँ पे रोहनियों के अकॉर्डिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ आप देख लो जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो ईजिली आप समझ सको काजीरंगा क्या है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे छोटे SSC वगैरह IBPS वगैरह एग्जामों में। ये आप देख सकते हैं UP गवर्नमेंट के द्वारा ताजमहल को क्लीन बनाने के लिए है ना कल्चर एंड हेरिटेज बनाने के लिए इतना रुपये इन्वेस्ट किया जा रहा है उसको क्लीनिंग के लिए। तो योगी गवर्नमेंट किस तरह से स्मार्ट सिटी प्लान के अकॉर्डिंग आगरा में किस तरह से बॉर्डर्स करेगी तो उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है ना। अब हम एडिटोरियल्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब एडिटोरियल को हम एक सिंपली वे में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ना सिंपली वे में ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये जो एडिटोरियल्स है ना ये एडिटोरियल जो एक लास्ट न्यूज है इसमें जो डिस्कस किया है ये IMD वाला है ना
ये अवेश फोर का IMD, तो ये पूरा मतलब इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट या इंटरनेशनल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा जो मानसून से जो चक्रवात वगैरह आते हैं वो देख सकते हो, या इंडिया के, ये इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसमें मानसून के वगैरह में इंडिया के रीजनल के अकॉर्डिंग बताया किस तरह से आते हैं, कितनी कम बारिश होती है उसके अकॉर्डिंग इसमें डिस्कस किया हुआ है। ये वाला 7 नंबर पेज और 8 नंबर पेज है ना, 8 नंबर पेज का ये वाला हो गया। तो इसमें हम फोकस करते हैं, ये वाला है, इसमें मेन फोकस क्या किया है, नंबर ऑफ गेम्स इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा ये मौसम का बताया गया कि इंडिया में किस तरह से कहाँ पर कितनी बारिश होती है, कितनी होनी चाहिए, जिसके क्या कारण है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया क्या क्या उनके करना चाहिए किस तरह से, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग टोटली इसमें डिस्कस किया हुआ है ना। ये वाला आर्टिकल्स देख सकते हो, ये ट्रैकिंग ऑफ द इकोनॉमिक स्लोडाउन, ये वाला जो आर्टिकल्स है ना, ये और एक नेक्स्ट पेज पे वो टोटली इकोनॉमी बेस पे किया हुआ है, मतलब अभी तक इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा है, क्वार्टर फोर में इतनी डाउन हो गई 5.7 वो क्यों हुई, उसका क्या कारण था, उसके अकॉर्डिंग डिस्कस किया हुआ है, इसमें टोटली इकोनॉमी के बेस पे बताया हुआ है। ये वाला कैटालोनिया से रिलेटेड है, कैटालोनिया रेफरेंडम हुआ है, तो रेफरेंडम हुआ है तो स्पेन की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा इनको सपोर्ट नहीं किया गया है, मतलब जो कैटालोनिया है ना, रिफ्लोंडिया में जो जैसे कैटालोनिया के लोग हैं वो ही बोल रहे हैं हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो हमारी वजह से हो रही है, ना कि ये स्पेन की गवर्नमेंट के सपोर्ट के द्वारा, और स्पेन की जो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम इतना GDP से ज़्यादा इनको पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, उसके बावजूद भी इनके द्वारा इस तरह के जैसे फर्स्ट ग्रुप जो रेफरेंडम हुआ था उसी के अकॉर्डिंग ये बात की गई है इसमें, है ना। और ये वाला जो है वो अर्बन्स ऑफ स्मार्ट सिटी के अकॉर्डिंग बताया गया है ना, इसमें बात ये की गई है, मतलब मुंबई की जो अभी 23 पीपल्स डाइड हो गए थे, मतलब जो वहाँ की रीजनल रेलवे मतलब जो प्रॉब्लम्स आई थी उसके कारण जो डैमेज हो गया था वहाँ का पुल, इतने प्रॉब्लम्स के कारण इसका डिस्कस किया हुआ है ना। तो अभी मैं आपको बता दूँ, इसको मैं अभी यहीं डिस्कस कर दे रहा हूँ। इसमें क्या है, इसमें एक रेफरेंडम हुआ है, तो इसके रेफरेंडम के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसको, है ना, इस वाले आर्टिकल्स को यहीं पर। इसमें क्या है, इसमें अब आप पुराने देख सकते हो, पुराने कहाँ कहाँ पर अभी रेफरेंडम हुए है ना, तो कैटालोनिया का रेफरेंडम देखते हैं, रेफरेंडम अभी तक कहाँ कहाँ पे हुए है ना। रेफरेंडम आप देखोगे ब्रेक्सिट का हुआ 2014 में, साउथ सूडान में 2011 में हुआ रेफरेंडम, कनाडा में रेफरेंडम हुआ है ना, अब ये कुर्दिस्तान में लास्ट 25 सितंबर रेफरेंडम हुआ, अब ये यहाँ पर रेफरेंडम की बात की गई। तो इसमें रेफरेंडम क्या है, जो कैटालोनिया जो पीपल है वो 90% अपने फ्री चाहते हैं रेफरेंडम की, मतलब कैटालोनियंस को अलग स्टेट बनाना चाहते हैं स्पेन से, मगर जो स्पेन की गवर्नमेंट है वो के इनको बात की गई है मेन, ये तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो मेन प्रॉब्लम्स क्या, किसके कारण ये स्प्रेड होते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन के कारण, इकोनॉमिक कंडीशन सपोर्ट नहीं कर रही थी स्पेन गवर्नमेंट, स्पेन का आप देख सकते हो इनकी करेंसी क्या है, यूरो है, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो इसकी गवर्नमेंट क्या है, मतलब जो है यूरो है करेंसी, और स्पेन है ना, उसकी जो कैपिटल है मैड्रिड है ना, बार्सिलोना आप देख सकते हो, और यूरोप में आप देख सकते हो, यूरोप में क्या है 28 कंट्री हैं जिसमें क्या है 19 क्या करते हैं यूरो यूज करते हैं, है ना, बाकी के 9 क्या यूज करते हैं मिक्सर करते हैं, मतलब यूरो और अपनी रीजनल करेंसी है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें टोटली डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें आप मेन बात ये याद रख लीजिए कि टोटली पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर रेफरेंडम हुए, क्या कंडीशन हुई, ये चीज़ें याद रखिए जिससे कि आपको आइडिया बना रहे, है ना। तो ये आर्टिकल पूरा डिस्कस हो गया, ये आर्टिकल्स ये पूरा मैंने बता दिया आपको, ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के, इसको आगे डिस्कस करेंगे, मगर ये इकोनॉमिक कंडीशन से ये मुंबई वाले, तो इसको आगे हम डिस्कस करेंगे सेकंड वीडियो में। ये वाले के हम आप बता सकते हैं मैं अभी, ये वाला जो ट्रैकिंग इकोनॉमी वाला, ये वाला आर्टिकल्स और 9 नंबर वाला आर्टिकल्स, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं, है ना। ये वाला जो आर्टिकल्स है ये इसके अकॉर्डिंग बात की गई है ना, ये वाला जो फिस्कल वाला है ना, गवर्नमेंट ऑफ स्पेंडिंग है ना, तो इसमें टोटली बात की गई है ना, इसमें बात की गई। तो हम देख सकते हैं 5 साल में इन्होंने ये बताया कि 5 साल में अभी तक इंडिया का क्या ग्रोथ हुआ है, इसके अभी हम डिस्कस करते हैं। इसमें पूरा ये बताया कि इंडिया अभी तक 5 ईयर में कौन कौन सा डिस्कस हुआ है, या 3 ईयर में कितना डिफरेंस हुआ इकोनॉमिक क्या है ना, है ना। तो इसमें मेन फोकस किया हुआ है ना, ये वाले हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें मेन बात ये की गई है इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था अभी बहुत अच्छा खासा हो रहा था, मतलब आप देख सकते हैं जब से डिमोनिटाइजेशन हुआ है 8 नवंबर से, उसके बाद में इकोनॉमिक कंडीशन वो काफ़ी मतलब लार्ज स्केल पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, डाउन हो गई है ना। तो इससे पहले जो कंडीशन थी वो कितना इफेक्ट पड़ा, इससे पहले काफ़ी इंक्रीज हुई थी कि नहीं,
उनके अकॉर्डिंग बताया गया है कि इससे पहले हमारी इकोनॉमी कहाँ थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, मतलब 8 नवंबर से पहले है ना, आप देख सकते क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में काफ़ी ना, है ना। तो अब डिमोनेटाइजेशन जो कराया गया नोटबंदी, नोटबंदी के बाद और फिर नोटबंदी 8 नवंबर से हुई है ना, उसके बाद GST कब हुआ, 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, डिमोनेटाइजेशन जो के द्वारा क्या हुआ, जो डाउन लेवल जो मार्केट था उसकी लिक्विडिटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। और GST से क्या हुआ, जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो कंपनियां थी उनके GST के कारण आगे इन फ्यूचर में जो रेट रखनी थी, जैसे 0, 5, 12 जो स्केल रखे हुए हैं, 12, 28 और 28+ C, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्लैब्स बनाए हैं उन स्लैब को किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा, तो उनको देखने के कारण इनके द्वारा ये इतना किस तरह के उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग इनके द्वारा ये बात की गई है। तो इसके द्वारा ये फ्यूचर में ये बताया गया जो इनको इस फ्यूचर को, मतलब इनको जो स्टॉक्स है उसको किस तरह से निकाला जाएगा, है ना। तो इनको मेन फोकस इसी में किया हुआ है, जो स्टॉक्स है उसको किस तरह से निकाला जाए, जो पुराना स्टॉक है मैन्युफैक्चरिंग का उसको हम किस तरह से देख सकते हैं, है ना, उनको किस तरह से ये हम वगैरह जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, क्लोथ्स वगैरह, शूज वगैरह, एनी हार्डवेयर मटेरियल्स, तो उनको किस तरह से हम उनको देखेंगे। अब जैसे आप हाई लेवल रिच आप कारों को देख सकते हैं, जैसे उसमें 28%+ C लगाया गया है, तो उसको जो ओल्ड जो कार थी उनको आगे मार्केट में मतलब उसको निकालने के लिए उनके द्वारा कैसे प्रयास किए गए, उनको किस तरह से, तो ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, वो बनाने में सक्षम नहीं हुए, जिसके कारण उन्हें स्लो डाउन कर दिया मार्केट, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो जो मैन्युफैक्चरिंग जो मेन फैक्टर था उनको किस तरह से देखा जाए, उनको किस तरह से देखा गया, तो एम्प्लॉयमेंट में भी बहुत सारी कमी देखने के आई, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें मेन बोला गया GST के कारण हुआ, बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट पड़ा, उससे पहले डिमोनेटाइजेशन के क्या करा था, मार्केट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ गया, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं थी मार्केट में, तो उसके मार्केट GST जितने सेंसेक्स वो डाउन हो गए, मार्केट की जो अर्निंग नहीं थी लिक्विडिटी डाउन हो गई, जिसके कारण मार्केट की इकोनॉमी ऑब्वियसली डाउन हो जाएगी, ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा डाउन होगी। तो इसी के बारे में टोटली इसमें यही डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें पूरा ये इकोनॉमी की कंडीशन बताई गई है कि आप देख सकते हो गवर्नमेंट के द्वारा, आप देखते हो क्वार्टर वन में क्या गया 7.6 थी, है ना, तो क्वार्टर टू के अकॉर्डिंग बोला गया 7.1 आ गई, है ना, उसके बाद बोला क्वार्टर थ्री में कितना चला गया 6.1 पे आ गई, है ना, अब क्वार्टर फोर में क्या आ गई 5.7 आ गई, जो सेकंड आर्टिकल में बता रहा हूँ 9 नंबर पेज पे है, उसमें भी इसी के बात टोटली इसी पर डिस्कस गई है ना। तो गवर्नमेंट के द्वारा किस तरह से इन्वेस्ट किया जा रहा है उसको, मतलब किस तरह से उसको बढ़ाने के लिए, उसके अकॉर्डिंग इसी में बात की गई है ना, है ना। अब लीडिंग ऑफ द एक्सक्यूज, है ना, तो जैसे मैं इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मुझे लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन कीजिए, तो लाइन बाई लाइन तो मैं इसकी जो जो क्रैक्स है वो बता देता हूँ, क्योंकि लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम्स लगेगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो है ना, तो आप थोड़ा मैनेज कर सकते हो। तो लीडिंग एंड एक्सक्यूज, तो इसमें क्या, वेन इज द कम टू हैंडल लैंड मार्केट एवरेज इरीगेशन एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारी GDP क्या है 550 to 660 डिपेंडेंट GDP क्या एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा डिमोनिटाइजेशन, और GST से क्या मैन्युफैक्चर पर इफेक्ट पड़ा, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट मतलब डाउन हुआ है, इस पर मेन फोकस इसी का। और आप इसमें ये भी देख सकते हो NPA के अकॉर्डिंग देख सकते हो बात की गई है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना है, लगभग 4.5 लाख समथिंग ड्यूज है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो होता है जो लोगों ने जैसे माल्या वगैरह जो माल्या है, माल्या टुडे इज अरेस्टेड इन लंदन, अरेस्ट कर लिया गया है उनको ED के द्वारा। NPA जो होता है जो लोन ले लेते हैं माल्या विजय माल्या की तरह और वो लेके भाग जाते हैं जिससे कोई रुपये नहीं मिलता, वो NPA होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ों को आप देख सकते हैं इसमें, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग बात किया है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें टोटली ये डिस्कस किया हुआ है ना। आप ये लास्ट में ये देख सकते हो किस तरह से कहते हो थिंग्स अबाउट इन द सेम इंक्रीज है ना, तो ये टोटली इसमें इस आर्टिकल्स में बात की गई है। इसके बाद हम ये भी देख सकते हैं जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जो सेकेंड आर्टिकल ये वाला, ये भी इकोनॉमिक से बेस है, तो इसमें बात की गई है गवर्नमेंट ने फिस्कल ग्रोथ जो मैंने आपको बताई क्वार्टर के अकॉर्डिंग बताई गई है, स्लो डाउन इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, इन ग्रोथ कितनी क्वार्टर में आई 5.7% इन द जून इन द क्वार्टर इन इंडिपेंडेंट ऑफ द, जैसे हमने डिस्कस की थी क्या कंडीशन थी जिसके कारण डिमोनिटाइजेशन फिर GST, है ना, देख सकते हैं इसमें डिमोनिटाइजेशन GST की बात की गई है, जिसके कारण डिमोनिटाइजेशन से लिक्विडिटी और इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा, मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर पड़ा, और GST से क्या मैन्युफैक्चरिंग पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें टोटली बात की गई है, इन ऑर्डर ऑफ द फूस्टर गेन इन रिकवरी द गवर्नमेंट मस्ट अंडरटेक इन द प्रो मार्केट रिफॉर्म द कैन हेल्प द इकोनॉमिक क्वार्टर्स इन द रिकवरी ऑफ द शॉक्स ऑन डिमोनिटाइजेशन इन GST,
है ना, एनी थिंग हेल्थ इन द ओनली एक्सपोज इन द सेंटर इन एबिलिटी कैरी डाउन आउट ना इकोनॉमी। तो हमें इसे रिफॉर्म करके इकोनॉमी को बढ़ाना चाहिए, कोई भी जो प्रॉब्लम्स अभी तक जो आई उनको हटाते हुए हमें नई तरह से फिल्म्स के द्वारा डिस्कस करना चाहिए, है ना। तो ये इसके अकॉर्डिंग बताया गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। अब जो सेकेंड वीडियो है उसको मैं जो आर्टिकल्स रह गए हैं जैसे ये और ये, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना।